भोले सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हरिओ नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिवा। जी गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी मानस श्रोताओं को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को आज कथा के नौवें और अंतिम दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे कल हमने कथा को कहां विराम किया। हमेशा ध्यान रखें, कबीरदास जी ने कहा ना, अरे भाई जावे जड़ा दिन पाछा कोनी आवे। जो दिन गए वैसे तो क्या पता जीवन में आए कि ना आए, कौन जाने। अरे जावे जैसा दिन पाछा कोनी आवे। 9 दिन में आपने महाराज कुछ किया न किया इतना तो जरूर किया, ये 5-6 घंटे 5 घंटे कथा में बैठे रहे, 5 घंटे में किसी की बुराई तो नहीं की। बोलिए, घर बैठे रहते तो तेरी मेरी करते, वो ऐसा वो ऐसा फला ऐसा फला ऐसा, उसका ऐसा हो गया उसका ऐसा हो गया। अरे हरि सुमरन किया न किया कम से कम 5 घंटे, ये तो बचे 9-5 45 घंटे जीवन के हरि नाम में चले महाराज, और क्या चाहिए। और वह भी एकाग्र भाव से। देखिए कथा तो गाते हैं हम, तो हर जगह जाते हैं, कोई एकाद का न कहे, बाकी तो भगवत कृपा है हमारे बाबा की, हमारे पे ऊपर इतनी कृपा है हनुमान जी की कि क्या कहें। हमें जहाँ पे भी कथा गाने जाते हैं ना, वहाँ उच्च क्वालिटी के श्रोता मिलते, क्या पता छन के आ जाते हैं हमारे, बड़े भाव से सुनते हैं, वो भी सुनते हैं भाव से और हम अपनी आनंद से मस्ती से गाते हैं, हमें क्या लेना देना। कई बार लोग कहते हैं मुझे कि महाराज इतना ऊंचा क्यों गाते हो आप, 5-5 घंटे गाते हो। मैंने कहा मुझे भी मालूम है नहीं गाना चाहिए, पर क्या करूं, जब गाने बैठता हूं रोजाना कथा स्थल पे आता हूं व्यासपीठ पे, उस समय सोच के निकलता हूं आज नीचे गाऊंगा ऊपर नहीं गाऊंगा ऊंचा नहीं गाऊंगा, पर यह आने के बाद में इतना आनंद आता है मुझे कि जय सिया राम। आप लोगों ने बड़े भाव से सुना, ज्यादा आप लोगों की तारीफ नहीं करूंगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाओगे, लेकिन अच्छा अच्छा भाव से सुना, बड़ा आनंद आया आप लोगों का, हमें सानिध्य मिला। तो जो जीवन के ये दिन गए हैं, हमने जो प्रेम से बिताए हैं, वैसे क्या पता आए कि ना आए, भगवान किसको कहां ले जाए, किसके जीवन में क्या होने वाला है किसी पता नहीं। क्या पता जीवन के किस मोड़ में वापस आप लोगों से मुलाकात हो ना हो, हरि जाने कौन जाने, पर जो गए हैं उसे तो याद रखिए। कबीरदास जी ने यही कहा, अरे जावे जैसा दिन पाछा कोनी आवे, अरे ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। ले लो ले लो भाई रे जावे जैसा दिन पाचा कोनी आवे मीरा, जावे जैसा दिन
राजा को नियावे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। अरे जावे जैसा दिन पाचा कोनी आवे। भैया जावे जैसा दिन पाचा कोनी आवे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। अरे सुतो करे नींद बींद जम जागे भाई। सुतो करे नींद बींद जम जागे भाई। अवसर गया पछी पछतावे भाई। अवसर गया पछी पछतावे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। बाहरे जावे जैसा दिन पाचा कोनी आवे। बीरा जावे जैसा दिन पाचा कोनी आवे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। अरे खायो सोई खोयो दियोड़ो आटो आवे भाई। सोई खोयो दियोड़ो आटो आवे भाई। खायो सोई खोयो दियोड़ो आटो आवे भाई। सोई खोयो दियोड़ो आटो आवे भाई। बिनारे दियोड़ो आडो कोनी आवे भाई। बिनारे दियोड़ो आडो कोनी आवे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। बाहरे जावे जैसा दिन पाचा कोनी आवे। बिना जावे जैसा दिन पाचा कोनी आवे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। अरे धर्म करे रे वाने धन धन जग में। धर्म करे रे वाने धन धन जग में। ये धर्म करे रे वाने धन धन जग में। धर्म करे रे वाने धन धन जग में। जमा की ओड़ो धन रह जावे भाई। जमारे की ओड़ो धन रह जावे। ले लो हरि नाम थारा दिन जावे। ले लो हरि नाम थारा।
बाहरे जावे जैसा दिन पता कोनी आवे बीरा जावे जैसा दिन पता कोनी आवे ले लो हरि नाम थारा दिन जावे ले लो हरि नाम थारा दिन जावे अरे कत कबीर सुनो भाई संतों कत कबीर सुनो रे भाई संतों कत कबीर सुनो रे भाई संतों कत कबीर सुनो रे भाई संतों के थाने साधो तो सिमरत धीरा समझावे धीरा साधो रे सिमरत थाने समझावे ले लो हरि नाम थारा दिन जावे ले लो हरि नाम थारा दिन जावे बाहरे जावे जना दिन पाचा कोनी आवे पीरा जावे जैसा दिन पाचा कोनी आवे ले लो हरि नाम थारा दिन जावे ले लो हरि नाम थारा दिन जावे जो जीवन के दिन गए हैं वैसे आने बड़े मुश्किल हैं, पर जो जीवन है उसे हरि नाम जप के महाराज बिताइए तो ये जो 8 दिन बीत गए आज 9वां और अंतिम दिवस है महाराज। आज अंतिम दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले कहेंगे, देखिए अयोध्या कांड को हमने कल विराम किया। हमने आपसे कहा ना, मानस के अंदर 9 नवान पारायण हैं और एक नवान पारायण में 120 दोए हैं। प्रारंभ का जो नवान पारायण है उसमें 120, फिर 119, फिर 120। तो अयोध्या कांड के अंदर महाराज कुल 326 दोहे हैं, यानी बालकांड के अंदर 360 दोहे के करीब है, 59 के करीब। तो 3 नवान प्राण तो बालकांड में चले जाते हैं और 2 नवान प्राण और कुछ दोहे यानी अरण्य कांड के मात्र 29 दोहों को मिलाएं तो महाराज कुल 6 नवान पारायण हो जाते हैं। यानी हम यहां तक तो पहुंच गए, अब जो पीछे की कथा है वो हम आपको सारभूत में लेते हुए, जहां तक हमने जो जाना है मानस जी को पढ़ने के बाद में, और इसलिए जहां तक मेरी कोशिश होती है हर कथा के अंदर मैं और तो वर्णन कर सकूं न कर सकूं, ठीक है कहीं ज्यादा जैसे कि चैनल पे आती उस समय थोड़ा बदलाव कर देते हैं, अन्यथा हर कथा में भरत चरित्र तो गाने की कोशिश करता ही करता हूं मैं। क्योंकि जब तक भरत जी का चरित्र नहीं गाया जाता तब तक महाराज राम जी को संसार में सबसे प्रिय कौन है? वृषपति जी ने कहा है कि हे सुरपति भरत सरीस कहो राम सने, भरत से ज्यादा राम जी का सनेही कौन हो सकता है कि जग जप राम राम जप जे।
मैं दावे के साथ कहता हूँ व्यासपीठ से, ये मेरे वाक्य मेरी सोच जहां तक कभी असत्य नहीं हो सकती। अगर आपको वास्तव में राम प्रेम चाहिए, राम जी के चरणों में अनुराग चाहिए, तो नित्य भरत चरित्र का पाठ करें महाराज। अयोध्या कांड का 175वें दोहे से शुरू कीजिए और ले जाइए 300 दोहे पे, या 326 पूरा करें तो अति उत्तम, नहीं तो वहां तक तो ले जाके छोड़िए। राम जी के चरणों में प्रेम होगा, इसलिए भरतचरित तो हम गाते ही गाते हैं, थोड़ा भी दर्शन देते हुए चले लेकिन जरूर लेते हैं। और अगर समय हो जाता है, श्रोता अगर जिज्ञासु होते हैं तो ज्यादा खींच लेते हैं, तो देख लीजिए एक दिन बच गया तो थोड़ा हनुमान जी का दर्शन करवा देंगे आपको, और तो क्या करें, दोनों को ले ही लेते हैं तकरीबन। तो हम उस हिसाब से अब जो अरण्य कांड की कथा है उसको संक्षिप्त में लेंगे। मेरे प्रभु चित्रकूट पे निवास किए, यहां करीब 11 साल 9 महीने, कोई कहता है 11 साल 11 महीने, कोई 12 साल के करीब मेरे प्रभु चित्रकूट पे रहे हैं। और यहां चित्रकूट से अब प्रभु आगे चले हैं, क्योंकि देवताओं का काम करना है। यहां से चल के सीधे अत्रि जी के आश्रम में आए हैं। अत्रि जी ने मेरे प्रभु की स्तुति की है। जिस किसी को जीवन में भक्ति की इच्छा हो कि भाई हमें भक्ति मिले परमात्मा की, तो मानस के इस अरण्य कांड के प्रथम श्लोक यानी तीसरा दूसरे दोहे के नीचे जो एक छंद लिखा हुआ है स्तुति, उसका नित्य पाठ करें। दो पंक्ति हम गाते हैं, गाइए मेरे साथ। अगर अत्रि जी मेरे प्रभु को प्रणाम करके कहते हैं नमामि भक्तवत्सलम् कृपालु शील कोमलम्। अरण्य कांड प्रारंभ में दूसरा या तीसरे दोहे के नीचे है, पूरा छंद है। चौपाई तो लंबी लिखी मिलेगी, छंद ऐसे छोटे सीधे रूप में। नमामि भक्तवत्सलम् कृपालु शील कोमलम्। भजामि ते पदामुदम्, भजामि ते पदामुदम् सुदामदम्, भजामि ते पदाबुदम् अकामिना सुदामदम्। नमामि भक्तवत्सलम् स्तुति का नित्य पाठ करें। अत्रि जी ने मेरे प्रभु की स्तुति की है। यहां जानकी जी को अनुसुया जी ने नारी धर्म की शिक्षा दी है और कहा जानकी नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही नियम है और एक ही व्रत है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा के काय वचन मन पति पद प्रेमा। कितनी बड़ी बात कही है कि हे जानकी, पति चाहे वृद्ध हो रोगी हो, वृद्ध रोग जड़
अति धनहीन, जिसके धन भी नहीं है, जड़ है, रोगी है, अंध बगीर, चाहे अंधा है चाहे बहरा है, क्रोधी अति दीना, चाहे क्रोधी है चाहे दीन है, पर ऐसे पति कर कर अपमान, ऐसे पति का भी अगर नारी अपमान करती है तो यमपुर की त्रास मिलती है। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, जन कल्याण के लिए कह रही हूं। कौन अनुसुया जी कह रही है जानकी को, बिन श्रम नारी परम गति लही, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गई। बिना श्रम ही नारी पति परम पद को प्राप्त कर सकती है। महाराज, नारी के लिए और पति की सेवा के अलावा शास्त्रों में कुछ कहा ही नहीं है। हम अगर एक बात हमेशा कहते हैं और हमारी बात को थोड़ा लोग अन्यथा भी लेते हैं और काफी लोग विरोध भी करते हैं, पर विरोध करते हैं तो उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो कहते हैं हम अपनी मौज में मौज मस्ती में है, और अब तो हमारे फर्क ऐसे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो संकल्प है वो अप्रैल में पूरा करने जा रहे हैं। पीछे कोई कथा कराए तो ठीक, न कराए तो ठीक, हमको क्या फर्क पड़ता। पर जो सही है वो कहे बिना हम नहीं रह सकते महाराज। हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि नारी को गुरु ही नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए गुरु, हो सके जहां तक, क्योंकि जो पति का गुरु है वो ही पत्नी का गुरु है, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक ही तो है महाराज, अलग से नहीं। कई कई देखा जाए पति देव के तो वो गुरु, पत्नी के वो गुरु, पत्नी के नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक हो सके गृहस्थी नारी को सन्यासी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सन्यासी के चरण छूने से ही, अगर आप भाववश अगर गुरु के चरणों के हाथ लगा देते हो तो आपको भी ब्रह्महत्या का पाप होता है, और जिनके लगाते हो उनको भी बहुत बड़ा दोष लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अभी तो देखिए महाराज, ये कलिकाल परम चरम पे है, या तो अभी बाढ़ ही गुरुओं की है, चेलों की तो है ही नहीं महाराज। निमंत्रित करके बुला के बनवाते हैं चाहिए जीवन में, पर जहां तक हो सके गुरु बनने की कभी कोशिश मत करिए महाराज। कोई आपको कह दे कि आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़ा भजनानंदी है, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, तो मारवाड़ में कह दो कौन ढीला मत कर दो महाराज, क्योंकि शिष्य अगर पुण्य करता है तो भी उसका आठवां हिस्सा गुरुदेव को मिलता है, और शिष्य अगर अधर्म भी करता है तो वह भी गुरु जी के खाते में जाता है। ध्यान रखिए, स्वामी जी को जीवन पर्यंत सबने कहा, जितने ही लोग उनसे जुड़े हुए थे, हमारे न्याती जी, ये राठी जी वगैरह, ये तो जाते रहते थे, ये सभी लोग बैठी मूर्तियां सामने, उनको किस किसने नहीं कहा, लेकिन कभी उन्होंने किसी को शिष्य बनाया नहीं, बनाया क्या, वो सामर्थ नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही, वो बात हमने भी सुनी बचपन में, वो भी आज भी हमारे दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं हमें अपनी नाव पार करने की तो अभी तक सामर्थ्यता नहीं है, हम किसी और को उस नाव में कैसे बिठाएं, हमें अपने तो पार होने का पता ही नहीं। गुरु बनने का उसी ही को अधिकार है महाराज, जिसने ईश्वर को साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा हमारा धर्म कहता है, वेद शास्त्र कहते हैं, ईश्वर को जिसने साक्षात्कार कर लिया है। और एक बात ध्यान रखिएगा महाराज, तुलसी जी ने तो लिखा है कि जिसने साक्षात्कार कर लिया है वो फिर बनेगा ही नहीं, क्योंकि जानई सो ही जो देहु जनाई, और जानत तुम ही हो ही जाई, फिर उसे क्या लेना देना दुनिया से, कोई चेला बने तो बने, न बने तो बने, क्या फर्क पड़ता। माताओं से मैं तो यही कहूंगा कि आप मेरी बात को अन्यथा न लें। हमने तो देखिए जो व्यासपीठ से जो हमें सही कहना है वो कहेंगे, बाकी जहां तक हो सके
पति के जो गुरु है उसी में अपना गुरुत्व का भाव रखे महाराज। सीता जी ने कोई गुरु नहीं बनाए थे। अनुसुईया जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जिस गंगा को लाने के लिए चार पीढ़ी तक सूर्यवंश की सगर सगर पुत्र अंशमज अंशमज पुत्र अंशुमान अंशुमान पुत्र दिलीप और दिलीप पुत्र भागीरथ पांच पीढ़ी ने कोशिश की, पांच पीढ़ी ने तपस्या की, तब वह गंगा भूलोक पे अवतरित हुई और उसी गंगा को दो मिनट के अंदर अनुसुईया जी ने महाराज प्रकट कर दिया। किसके बल पे? पतिव्रत धर्म के बल पे महाराज। चित्रकूट पे अकाल पड़ा, 12 वर्ष तक बरसात नहीं हुई, सभी लोग छोड़ के चले गए। अत्री जी ध्यानस्थ अवस्था में थे और जैसे ही उनकी ध्यान की पल खुली, कहीं पानी नहीं, बूंद पानी नहीं, पर अनुसुईया जी पति की सेवा में बैठी रही। आंख खुलते ही कहा, देवी पानी पिलाओ। अब ऐसे तो कैसे कह दें कि पानी नहीं है। कमंडल लेके बाहर आई, पति ने कहा है पानी पिलाओ, कहां से पिलाऊं, और भगवान से प्रार्थना की कि अगर मैंने मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा की है तो हे गंगा मैया तू यही प्रकट हो। और महाराज वो प्रकट हुई मंदाकिनी के रूप में। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, इतना श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पति की मन वचन क्रम से सेवा की। अरे जिनके आगे महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नतमस्तक होना पड़ा, बालक बना दिए, जिसने तीनों लोकों के अधिपतियों को तीनों को बना दिया बालक। किस बल पे? अपने पतिव्रत धर्म के बल पे महाराज। जा हमारे शंकर भी विवश हो गए, जा विष्णु भी विवश हो गए, किसके? वृंदा के सामने, जिसका पति तो अधर्मी था, अत्याचारी था, कौन जलंधर, लेकिन उसकी पत्नी मन वचन क्रम से पति सेवा में लगी रही थी वृंदा, तो शंकर भी उसको जीत नहीं पाए, हरि को छल करना पड़ा उसके साथ में महाराज। और कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो भारतीय संस्कृति है महाराज। पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो हमारे घरों में टेलीविजन है, टेलीविजनों पे जो नाटक आते हैं, ये हम लोग नहीं समझ पाते। बाकी ये विदेशी ताकतों का महाराज ऐसा अंतर्गत कार्य चल रहा है कि बिल्कुल हमारी संस्कृति का पूर्ण रूप से विनाश में तुले हुए महाराज, पूर्ण रूप से विनाश की तरफ जा रहा है वह। और ये माताएं बड़े भाव से सब देखती हैं, कभी सास भी बहु थी, कभी घर घर की कहानी देखती कि नहीं देखती है, हाँ या ना कहिए, देखती है ना। कभी भी सोचिएगा कि इस नाटक को आप देखती हैं, आपके साथ में आपके बच्चे देखते हैं, इसका दुष्ट परिणाम क्या होगा आपको मालूम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मत देखिए, पर ऐसा देखिए कि जिससे आपको कुछ मिले, यूं बिना मतलब का व्यर्थ का समय न खराब करें। ये तो बड़ा धीरे धीरे इसको, जिसको हम कह सकते हैं स्लो पॉइजन है, हल्का जहर धीरे धीरे लग रहा है। जानकी जी को नारी धर्म की शिक्षा दी, यहां से मेरे प्रभु आगे चले, विराट का वध किया, सर्वंग जी के आश्रम में गए, सर्वंग जी को मुक्त करके देखिए सुतिक्षण जी के आश्रम आए। ये सुतिक्षण जी जो अगस्त जी के शिष्य हैं, इनके बारे में बड़ी सुंदर कथा है। जब ये छोटे थे तो अनाथ हो गए, तो किसी ने लाके अगस्त जी को सौंप दिया। एक दिन अगस्त जी के शिष्य कोई कारणवश सब चले गए कहीं बाहर, तो अगस्त जी ने सुतिक्षण से कहा कि सुतिक्षण जाओ हमारे ठाकुर को नहला लाओ, जो सालिग्राम जी थे पूजा में के जाके इसको नहला के लाओ नदी में। सुतिक्षण जी ठाकुर जी को लेके गए सालिग्राम जी को वह नदी किनारे नहलाने, तो सोचा माँ जामुन के पेट से विचार किया कि जामुन खाएं पर
तोड़े कैसे, ऊपर तो नहीं चढ़ सकते। फिर सोचा कि ये भगवान गुरुदेव की ठाकुर है, बाकी ठाकुर कहाँ है, भाटे का ही तो है, पत्थर ही है, मारो ऊपर। मारा शालिग्राम जी को, नीचे चार जामुन गिरे, खाए, बड़ा अच्छा लगा। फिर घुमा के डाला, फिर तीन जामुन गिरे, फिर खाए। तीसरी बार जब शालिग्राम जी को ऊपर फेंका तो दो जामुन गिरे, पर शालिग्राम जी गिरे ही नहीं। सोचा ये तो गड़बड़ हो गया, अब गुरु जी को क्या करेंगे। तो अपनी बालक की बुद्धि लगाई और सोचा कि शालिग्राम जी काले जामुन ही काला, अब जामुन को नला के ले जाके पूजा में रख दिया। जब अगस्त जी पूजा करने गए तो देख रहे हैं कि भगवान छोटे हो गए, तो कहा अरे सुतीक्षण ये ठाकुर छोटा कैसे भयो। तो कितना सुंदर उत्तर दिया कि गुरुदेव पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी घिस गए ठाकुर हमका जानी। आप रोज रोज भगवान को नलाते हो, बार बार चंदन लगाते हो, आपके ठाकुर जी घिस गए, हमें क्या मालूम। देखा हो सकता सही कह रहा होगा। जैसे ही अगस्त जी ने चंदन को घोट के चंदन लगाया, वो तो देखिए महाराज छिलका उतर गया उसका। ये क्या किया, कहां है ठाकुर, खींच के एक थप्पड़ मारा, कहा लेके आ जा। अब सुतीक्षण जी वहां से निकले, अब गुरु जी ने मार के आश्रम से निकाल लिया। कहां जाए ठाकुर, कहां हो तुम ठाकुर, कहां हो। रोते 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 एक पेड़ के नीचे बैठे और महाराज सुतीक्षण जी को समाधि लग गई। बचपन में छोटे थे तब समाधि लगी, यौवन अवस्था में आ गए, ध्यान के अंदर ही सुतीक्षण जी को दृष्टि गोचर हुआ कि भगवान अवतरित हुए हैं, लीला करते हुए आ रहे हैं, यहां से निकलेंगे। और आंख खुली, सोचा इतने वर्ष तक गुरु जी के पास नहीं गया, कहा कि ठाकुर को लेके आना, तो अब भगवान आ ही रहे हैं तो भगवान को लेके ही जाऊंगा। मेरे प्रभु सुतीक्षण जी के आश्रम में आए, सुतीक्षण जी से मिले, भक्ति का वर मांगा सुतीक्षण जी ने और प्रभु को साथ में लेके अगस्त जी के आश्रम में आए। अगस्त जी ध्यान में बैठे, राम जी को बाहर छोड़ा, कहा आप बाहर रुकिए प्रभु, हम गुरु जी के पास जाके सूचना देते हैं। और सुतीक्षण जी अगस्त जी के पास आके कहने लगे, तब सुते सन गुरु पही गय, अरण्य कांड का ग्यारहवां दोहा। तब सुते सन गुरु पही गय, करत दंडवत कह अस भजन, नाथ कोसल दीस कुमारा, नाथ कोसल दीस कुमारा, आए हो मिलन जगत आधारा, आए हो मिलन जगत आधारा, तो तुम सजी ने आके अगस्त जी को प्रणाम किया, कहने लगे गुरुदेव नाथ कोसलाधीश कुमारा, अयोध्या के राजकुमार आए हैं। अगस्त जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो सुतीक्षण जी कहने लगे, आए मिलन जगत आधारा, वो जगत के जो आधार हैं, जिनके ऊपर पूरा संसार है, वो आए। फिर भी अगस्त जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो सुतीक्षण जी कहने लगे, महाराज
राम अनुज समेत वेदे राम अनुज समेत वेदे राम जी आए हैं भाई और जानकी के साथ में आए होंगे। अगसी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया का राम लखन जानकी आए। जब नहीं ध्यान दिया तो अंत में सुतीक्षण जी ने कहा निश दिन देव से दिन ते ही आपके आराध्य इस जिनका रात दिन आप भजन करते हो वो सीताराम लखन आए हैं। वो राम जी आए हैं। जैसे ही सुतीक्षण जी ने यह कहा सुनत अगस्त तुरंत उठी धाए सुनत अगस्त तुरंत उठी धाए हरि बिलो की लोचन जल छाए प्रभु ही बिलो की लोचन जल छाए मेरे प्रभु को देखते ही अगस्त जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने दंडवत किया है, मुनि ने आशीर्वचन दिया, मेरे प्रभु बैठे कंद मूल फल दिए, प्रभु ने स्वीकार किए। यहां राम जी ने हाथ जोड़ के अगस्त जी से कहा तुम जानो जी कारण आयो। आप तो जानते हो महाराज कि हम किस कारण आपके पास आए हैं। अगस्त जी ने कहा देव कहिए आप। मेरे प्रभु कहने लगे अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि। अब आप मुझे वह मंत्र दीजिए। कौन सा मंत्र? देखिए एक बार रावण ने जिस समय कुबेर के ऊपर आक्रमण करके कुबेर का जो पुष्प विमान है वो छीन लिया और लेके गया, तब कुबेर बड़ा दुखी हुआ। तो कुबेर की सहायता के लिए रघुजी ने रावण का संहार करने के लिए महाराज अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। महाराज रघु ने जो ही बाण को खींचा ब्रह्मा जी आके सामने खड़े हो गए और रघुजी को हाथ जोड़ के कहा महाराज आप इसका वध न करें, आप इसको मारने में सक्षम है कोई दो राय नहीं, हम जानते हैं, लेकिन आप अगर इसको मार देंगे तो मेरा और शंकर का वचन मिथ्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, आप इसे ना मारें, निश्चिंत रहिए, इसकी मृत्यु आप ही के कुल के द्वारा होगी, पर आपके कुल में ही ईश्वर आएंगे और उनके हाथों से इसकी मृत्यु होगी। रघु जी ने कहा यह बाण तो हमने इसके नाम से खींच लिया है, अब ये चढ़ा हुआ बाण उतर नहीं सकता, क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कीजिए ये बाण हमें दे दीजिए, इसी बाण से इसका नाश होगा। ब्रह्मा जी ने वह बाण लिया और वह लेके महाराज अगस्त जी को दे दिया कि आप अपने पास रखें, जब राम जी आएंगे तब उनको ये दे दीजिएगा ताकि इससे वो रावण का नाश करेंगे। पहले बाण मंत्रों से चलते थे, इसलिए यहां मेरे प्रभु ने कहा कि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि के जे ही प्रकार मारहु मुनि। मेरे प्रभु की वाणी को सुन के अगस्त जी हंसे और कहने लगे पूछे हमू कहा तुम जाने, आप हमें पूछते
अरे तुम्हारे भजन प्रभाव अगारी जानत हूँ कछु महिमा तुम्हारी। आपके भजन के प्रभाव से प्रभु हम आपकी महिमा को कुछ जानते हैं, बाकी हम क्या है। आपकी माया का जो ये वृक्ष है ना, गुलरी गुलर के वृक्ष के समान है, उसकी अनेक शाखाएं और उनकी अनेक शाखाओं पे अनेकों अनेक फल लगे हुए हैं, और वो फल क्या है, ब्रह्मांड रूपी है, और उन ब्रह्मांड रूपी फलों में करोड़ों पृथ्वियां हैं, और उन करोड़ों पृथ्वियों में एक पृथ्वी के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया में मैं रहता हूं। आह बताइए, हम अपनी विषाद तो समझे, हम लोग क्या है, कभी विचार कीजिए, हकीकत कह रहा हूं। अगर आप प्रयास करें अपने गुरु की कृपा से, और हो सके आपको सही मार्गदर्शक मिल जाए गुरु जी का, तो मेडिटेशन से अगर आप ध्यान लगाएंगे, तो ध्यान योग के द्वारा जब आप यहां से बाहर निकलेंगे, तो आपको वास्तविकता पता चलेगा कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। हकीकत बात तो यह है, और हम तो वहां है क्या, हम कुछ भी नहीं है, अपने छोटे से साम्राज्य में ऐसे ऐसे करें, अरे हमारा घर है हमारे, अरे तुम्हारा क्या है, तुम्हारे से तो वो जो बैठा है उसका क्या 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 है महाराज, कोई पता ही नहीं चलता। फिर भी आपने मुझे पूछा, किसने, अगर जी ने कहा, अगर आपने हमें पूछा तो देव काम कीजिए, आप दंडक वन में जाइए, जो गौतम के श्राप से उजड़ चुका है, आपके चरणारविंद पड़ते ही वो पावन होगा, पंचवटी पे देव निवास कीजिए। मेरे प्रभु अगजी से विदा लेके पंचवटी पे आए, यहाँ आके कुटी बनाई है, यहाँ एक दिन मौका पाके लखन ने मेरे प्रभु से पूछा कि महाराज माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, और ईश्वर और जीव में भेद क्या है। राम जी ने कहा थोड़े मां सब कहूं बुझाई, मैं थोड़े में तुझे बता के बताता हूं, मैं और भी थोड़े में आपको बता देता हूं विस्तार में, तुम्हारा थोड़े में और थोड़ा। जो माया से परे है वो ज्ञान है। माया कितनी, दो प्रकार की, क्योंकि जब लखन ने पूछा कहूं ज्ञान विराग अरु माया, माया को तीसरे नंबर पे रखा, पहले कहा ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और पीछे कहा माया क्या है। कहूं सो भक्ति करही करी दाया, भक्ति क्या जो दया करके आप देते हो, पर मेरे प्रभु ने कहा थोरे मां सब कहूं बुझाई, थोरे में मैं तुझे समझाता हूं, और ज्ञान को नहीं कहा, पहले क्या कहा, माया का वर्णन कहा। मैं अरु मोर तोरते माया, जा बस जीव कर ही निकाया, गो गोचर जहां लगी मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। जहां तक हमारी इंद्रियां विचरण करती हैं और जहां तक उनका चित्र है, वह सब माया ही है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो विचार करते हैं, यह सब माया ही है। जो नहीं है वही माया है। माया मा यानी नहीं, ये यानी या मतलब है, नहीं है वह माया, इसका अर्थ यह है, ये संस्कृत भाषा का। दो तरह के माया है, एक तो अविद्या और दूसरी विद्या। एक के बस में पड़ के जीव भवरूपी कूप में गिरता है, और दूसरी माया हरि के अधीन है, जो अपने प्रभु की इच्छा से संसार का पालन उत्पन्न और लय करती है। पर ही लखन ज्ञान मानम एकहू नाही, देखूं ब्रह्म समान जग माए। ज्ञानी के जीवन में न तो अविद्या रूपी होती है, न विद्या रूपी होती है, वो संसार के पर कण में ईश्वर के दर्शन करता है। ज्ञानी की परिभाषा दे दी, वैरागीवान को क्या कहा, सुनो तात सो परम वैरागी के तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। संसार में वही परम वैरागीवान है जिसने तिनके के समान सब सिद्धियों को, सब धन को, सब को छोड़ दिया, और अंत में कहा कि जीव और ईश्वर में भेद क्या,
जिसके अधीन माया चले वो ईश्वर, और माया के अधीन जो चले वो जीव। कितनी बड़ी बात। राम जी लखन जी जानकी जी जा रहे हैं ना, तो तुलसी जी ने कहा दो बिच सोई सी कैसी कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी है, पीछे लखन जी, और बीच में सीता जी चल रही है, तो ऐसे लग रहा है कि महाराज ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। और यही उदाहरण है, आगे कौन? ब्रह्म, पीछे कौन? जीवों के आचार्य लखन, और बीच में जानकी। तो जो महाराज ब्रह्म के इशारे पे चले वो माया, और माया के इशारे से चले वो जीव। और ये भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया यहां मेरे प्रभु रह रहे पंचवटी पे, ये ज्ञान दिया। और उसी क्षण एक दिन रावण की बहन सुरपन का घूमते हुए वहां आई है। सुरपन का रावण के बहिनी, ये सुरपन का जो रावण की बहन है, पर कैसी है? दुष्ट हृदय, दारुण जस अहिनी। अहिनी कहते हैं सरफनी को, जैसे नागिन के समान दुष्ट हृदय की। नागिन कितनी दुष्ट होती है जो अपने ही बच्चों को खा जाती है। एक दिन यह सुरपन का पंचवटी सो गई एक बारा, घूमते घूमते महाराज यह पंचवटी आई है। जैसे ही पंचवटी पे आई, मेरे प्रभु को देखा है, राम जी को देखा, देख विकल भई जुगल कुमारा। दोनों भाइयों को देख के व्याकुल हुई। यहां तुलसी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, और काक भूषण जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। उर्गारी कौन? गरुड़। गरुड़ का नाम उर्गारी है। पुरुष मनोहर निरखत नारी, नारी अगर सुरफन का के स्वभाव की हो। देखिए मानस में तुलसी जी ने कई जगह लिखा है, सुंदरकांड की एक चौपाई, उसका कई लोग गलत भी अर्थ लगाते हैं कि ढोल गवार पूस शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। महाराज यहां ताड़ने का मतलब मारना नहीं, ताड़ने का मतलब उद्धार करना। लेकिन किसको ताड़ना चाहिए, किसे मारना चाहिए, किसका उद्धार करना चाहिए? जो पशुवत स्वभाव की हो। गाय रिश्तों को नहीं समझती, भैंस रिश्तों को नहीं समझती, घोड़ा कुत्ता रिश्तों को नहीं समझता कि ये कौन है, लेकिन मानव रिश्तों को समझता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बड़ा है या मेरा छोटा है। नारी के लिए तो एक ही है, बड़ा हो वो तो पिता तुल्य, और छोटा हो पुत्र समान, सम उम्र हो वो भाई समान, और वो तो विवाहिता हो उसकी तो नजर ही ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ये सुरफन का यहाँ आई है, राम जी इसके पुत्र तुल्य है, ये उम्र में बहुत बड़ी है, विवाहिता थी, विधवा हो गई है। लेकिन महाराज राम जी को देख के व्याकुल हुई है। व्याकुल हुई तब तुलसी जी ने लिखा, पुरुष मनोहर निरखत नारी, और तुरंत सुंदर रूप धरा मारा, एकदम सुंदर नारी का रूप धरा और मेरे प्रभु के पास आ गई। मेरे प्रभु के पास जाके क्या कह रही है? तुम सम पुरुष न मो सम नारी। देखिए ये अपने शब्दों में ही उलझ गई। जो कुमारी होती है ना उसको कुमारी बोलते हैं, और जो विवाहिता होती है ना उसको महाराज नारी बोलते हैं। ये गई विवाहिता तो थी, तो जाते ही मेरे प्रभु से क्या कहा कि तुम सम कोई पुरुष सुंदर नहीं है और मेरे जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है। अगर यह कहती ना कि मेरे जैसी कोई सुंदर कुमारी नहीं है तो फिर भी समझता, समझ में आता, लेकिन कह रही है मेरे जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है, और विधाता ने आपको और हमको कुछ सोच समझ के ही बनाया है।
ताते अबलग रही कुमारी, मम अनुरूप पुरुष जगमाई, देखूं खोजी लोक त्यू माई। मेरे अनुरूप कोई आज तक पुरुष मिला नहीं, मैंने तीनों लोकों में ढूंढ लिया, कोई मेरे योग्य मिला ही नहीं। ताते अब लग रहू कुंवर, इसलिए आज तक कुंवारी थी, पर अब आपको देखा तो सोचा अब तो क्या करें, अपने अनुकूल तो कोई नहीं मिल रहा है, पर अब आप मिले तो आपसे काम चला लूं। अभी भी ये नहीं कह रही है कि नहीं नहीं आप मेरे योग्य नहीं, मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम्हें देखने के बाद में कुछ मन माना कि चलो अब और नहीं तो ठीक है, इसे ही काम चला लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये भक्ति की बिल्कुल विपरीत है। महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं मेरे प्रभु से कि गुण तुम्हारा समझ ही निज दोषा, जीव को अपने गुण नहीं अपने तो दोष ही देखने चाहिए और गुण हरि के देखने चाहिए। ये सुरफन का क्या कह रही है, अपने गुण देख रही है और राम जी के अवगुण देख रही है, कह रही है मन मान गया बाकी ठीक है, बाकी तो मैं ही हूं, तुम तो तुम ही हो। और जबकि वो सबरी क्या कहती है, कई विधि स्तुति करा तुम्हारी, अदम नारी जड़ मत मैं भारी, अदम ते अदम अदम मैं नारी के तिन महु मैं मत मंद अघारी। महाराज वो सबरी यह कहती है मैं अधम हूं, कैसे आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मेरे शब्द भी आपकी स्तुति करने योग्य नहीं है। गुण तुम्हार समझे निज दोष, गुण मेरे हरि के समझे, बाकी दोष देखें अपने में दोष देखें। राम जी ने भरत जी को सबसे ज्यादा महत्व तो क्यों दिया, मेरे प्रभु ने जब किसी को भी कहा एक ही बात कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, क्यों? आप भरत चरित्र को पढ़े ध्यान से, राम जी को भरत इसलिए प्रिय हैं कि भरत हमेशा आत्मचिंतन करते रहते हैं, यह कार्य आपसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं। आहा, अपने गुण, मेरे अनुरूप कोई वर मिला नहीं, ताते अब लग रही कुंवारी और मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम्हें देखा तो अब विचार किया चलो ब्याह कर दें। राम जी धीरे से हंसे, सामने नहीं देखा और कहा मेरे साथ में तो ये मेरी पत्नी है। मेरे प्रभु के इशारा करने का मतलब है कि तुम कहती हो कि मैं सुंदर हूं, पर कम से कम इस जानकी को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि सुंदरता क्या होती है। मेरी तो ये धर्मपत्नी साथ में, पर जैसे तुम कुंवारी हो ना, ये विवाहिता थी पर कुंवारी बन के आई, तो राम जी ने कहा जैसे तू कुंवारी हो ना वैसे मेरा छोटा भाई वो भी कुंवारा है, लखन जी ब्याहे हुए थे ना, पर ये ब्याही हुई थी तो ये कुंवारी कह रही थी, राम जी ने कहा वो कुंवारा है चलो। जैसे ही मेरे प्रभु ने लखन जी की तरफ इशारा किया, ये सुरफन का लखन के पास गई और जाके जो बात राम जी से कही वही लखन जी से कही। लखन जी ने क्या कहा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी मैं तो उनका दास हूं, वो जो बैठे हैं ना उनका मैं तो सेवक हूं, और सेवक सुख तह मान भिखारी, सेवक सुख की कामना करें तो गलत है और भिखारी सम्मान की कामना करें तो गलत है। भिखारी को सम्मान नहीं मिलेगा, उसको धुतकार ही मिलेगी, और सेवक को सुख, सेवक को सेवा करनी पड़ती है। मैं तो उनका नौकर, तूने रोकरानी बनना है कि महारानी बनना है? मुझे तो महारानी बनना, तो उधर जा, या क्या करी मेरे पास, मैं तो उनका नौकर हूं, मैं यह झाड़ू पोछे कर रहा हूं, तू फिर करना मेरी जगह। महारानी बनना है ना कि हाँ, तो उनके पास कि वो तो कह रहे मैं ब्याया हुआ हूं, अरे वो अयोध्या के महाराज हैं, राजा हैं, एक से अनेक ब्याह कर सकते हैं, जा तू उनके पास। वापस आई, राम जी को आके कह रही आपके भाई तो मना कर रहे, अब आप ही हमसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा उसका स्वभाव है, वो पहले मना करेगा पीछे हाँ कहेगा, वापस आ। फिर वापस आई,
अब की बार आई तो लखन जी ने कहा जो शर्म को तिनके की तरह तोड़ चुका है वो तुझसे विवाह करेगा, चल हट यहां से। जैसे ही दुत्कारा सुरफनका ने देखा ये जब तक साथ हैं तब तक ये हमसे ब्याह नहीं करेंगे, और महाराज अपना भयंकर असुरारी रूप बताया। जानकी जी डरी, इशारा किया मेरे प्रभु ने लखन को, और लखन ने आके नाक कान काट दिए। देखिए महाराज नाक कान क्यों काटे मालूम, क्योंकि इसने आते ही कहा था ये विवाहिता थी विधवा थी, पर आके कहती मैं बहुत सुंदर हूं। नारी की सुंदरता नाक और कान से ही होती है, और विशेष रूप से अगर किसी के पास आभूषण न भी हो ना तो ऐसी कोई नारी नहीं है, चाहे भले सोने के न हो तो खोटे भी पहनेगी तो नाक में और कान में तो जरूर ही पहनेगी, बाकी कहीं आभूषण पहने न पहने। ठाकुर जी के चिंता मत कर थारे, अब संसार की सबसे सुंदर तू ही है, जा। नाक कान के बिना विकराल होके वह सुरफनका सीधी वहां पंचवटी पे 14,000 असुर सेना सहित खरदूषण तिसरा रहते थे उनके पास आई, और अपना संताप अपना दुख रोके सुनाया। वो शराब के मद में बैठे थे, कहा क्या हुआ, कहा वो मेरे सामने तो देखो क्या हुआ, ये नाक कान काट दिए। किसने काटे, दो राजकुमारों ने, खरदूषण तीसरा 14,000 असुर सेना सहित आए। या महाराज मेरे प्रभु ने अकेले ही उनसे युद्ध किया है, शस्त्र अस्त्र नहीं चलाए। राम जी ने एक ऐसा माया का बाण छोड़ा महाराज कि वो जितने ही असुर थे उन सबको एक दूसरे में राम दिख रहा, इनको वो राम दिख रहा उनको वो राम दिख रहा, पर ये माया का बाण छोड़ने से पहले राम जी ने धनुष की प्रत्यंचा को खींच के छोड़ा तो ऐसी भयंकर आवाज हुई कि वो जितनी असुरी सेना थी उन सब असुरों के कान के पर्दे फट गए, सब बगीर यानी बोला होगा हमारा। अब वो आपस में लड़ रहे हैं, वो सुरपन का कह रही अरे आपस में क्यों लड़ रहे हो, पर सुने कौन, वो आपस में लड़ लड़ा के कट के पूरे मर गए, कोई पीछे रहा नहीं। 14,000 असुर सेना कर दूसरा तीसरा का नाश देखे सुरपन का वहां से दौड़ी है सीधी रावण के दरबार में गई लंका में। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा है लंकेश, तू कौन सी नींद में सो रहा है, ये विषय भोगने के अलावा तुझे कुछ मालूम ही है कुछ भी भान भी है, ये राज है ना नीति के बिना नहीं चलता और धन धर्म के बिना नहीं रहता और सत्कर्म भगवान को समर्पित किए बिना नहीं रहते। संगते जति कुमंत्र ते राजा, संग से जति का पतन हो जाता है, कुमंत्र ते राजा का पतन हो जाता है, ज्ञान ते मान, ज्ञान से मान मिलता है, और पान ते लाजा, शराब पीने से लज्जित भी होना पड़ता है। तू कौन सी नींद में, तेरे सर पे शत्रु तांडव करे तू यहां शराब में मस्त रहता है। रावण ने उठा के देखा सुरपनका को, क्या बात है, गौर से देखा, कहा ये तेरे नाक कान को क्या हुआ, एकटे अडोना रखना आया हो, ये नहीं कहा महाराज। देखिए रावण की कमजोरी जानती थी सुरफनका, रावण इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा बली था, इतना तेजस्वी तपस्वी था, पर इसकी दो कमजोरी सबसे बड़ी थी महाराज, एक तो ये सुंदरता का बहुत आसक्त था, दूसरा अपने से किसी और को श्रेष्ठ सुनना पसंद नहीं करता था। इन दोनों कमजोरियों को देखते हुए सुरफनका ने कहा, देखिए राधेश्याम रामायण में राधेश्याम जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, वीरस का जब भी प्रसंग आता है ना तो राधेश्याम जी जैसा वीरस का कोई वर्णन नहीं कर सका हमारा, ध्यान रखिए हम कभी कभी बीच में टोल लगा दिया करो। सुरपन का कह रही है मैं एक बार वहां से भैया घूम रही थी कहां पंचवटी पे, तो मैंने क्या देखा, दो राजकुमार आए हुए हैं, पर साथ में क्या कहा,
उनके साथ में इतनी सुंदर नारी है कि तेरी मनोदरी इत्यादि रानियां तो उसके नख के बराबर भी कुछ नहीं कर सकती। इतना दिव्य स्वरूप है उसका, इतनी सुंदरता मैंने कहीं सुनी नहीं, देखना तो बहुत दूर की बात है। तो भाई मैं वहां से निकल रही थी, उस स्वरूप को देखा तो सोचा जाके पता करूं ये ऐसी कौन है। जैसे ही मैं पता करने गई तो वो जो दो भाई थे ना, उसमें एक छोटा भाई था ना, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा खबरदार, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं? मेरी सबसे बड़ी गलती यही हो गई जो मैंने तेरा नाम लिया। मैंने कहा मैं लंकेश की बानू, मैंने जैसे तेरा नाम लिया, अरे मैंने तो लिया जब नाम तेरा, उसने तो दी तुझको गाली, अरे मेरे तो कान कुतर डारे, अरे मेरे तो कान कुतर डारे, मेरी तो नाक काट डारे, मेरे तो उसने मेरे कान काट दिए, मेरी नाक काट दी। देख दशानंद तेरे रहते मेरी ये दुर्दशा हुई। रावण ने कहा तो तू मेरे पास यहां रोती हुई आई है नाक कान कटवा के, अरे वहां पंचवटी पे क्यों नहीं गई? खर दूसरा तीसरा से 14,000 असुर बैठे हैं। सर्वनगान का गई थी तो क्या हुआ? कुछ नहीं, उन सबको ठिकाने लगा के पीछे आई। खरदूषण तीसरा 14,000 असुर सेना सहित मारे गए। सुरफन खान का किसने मारा उनको? वो एक ही राजकुमार ने मारा। रावण ने धनवंत जी को बुलाया, सुरफन का को अपना बल बताया और उनसे कहा कि इसके नाक कान ठीक करो। ये प्लास्टिक सर्जरी उस समय भी होती थी महाराज, ये अभी नहीं हो रही है। और उसी समय सभा को विसर्जन करके रावण महल में जा रहा है, पर जाते समय रावण के मन में विचार आ रहा है। रावण मन में विचार करने लगा कि खरदूषण तो मेरे समान बलिष्ठ है, वो भगवान के बिना तो नहीं मर सकते, तो इसका मतलब सुररंजन भंजन मही भारा, देवताओं का कार्य करने के लिए, भूमि का भार मिटाने के लिए भगवान अवतरित हो चुके, जो भगवंत लीन अवतारा, तो क्यों ना मैं जाऊं। तो मैं जाय बैर हटी करूं, हटपूर्वक उनसे वैर करूं और प्रभु सर प्राण तदही भवत रहूं, भगवान के बाण से, भगवान के हाथों से मर के मैं गति को प्राप्त करूं। क्योंकि हो ही भजन न तामस दया, भजन तो हो नहीं सकता इस असुर जीवन से, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ किया, ये मन में विचार किया ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है चले। रावण तुरंत वहां से मारीच के पास आया और मारीच से कहा तुम स्वर्ण मृग बन के जाओ। मारीच ने खूब समझाया, अरे तुम जो सोच रहे हो रावण दिमाग से निकाल दो, मेरी उनसे भेंट हो चुकी है। विश्वामित्र जी के यज्ञ में एक बाण मारा था बिना फर का, जो यहाँ आके गिरा 100 योजन दूर, तब से मेरी स्थिति कीट पतंगे की भांति हुई, जहां देखो दिन में तारे ही तारे दिखते हैं मुझे। तेरे अपना और अपने कुल का अगर कल्याण चाहता है तो उधर सोचना छोड़ दे। रावण ने कहा मैं तुझसे ज्ञान लेने नहीं आया हूं, जाता है नहीं तो मैं तुझे यही मार दूंगा। मारीच ने सोचा मृत्यु तो दोनों तरफ है, नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट छोड़ेगा नहीं और अब की बार जाऊंगा तो वो छोड़ेंगे नहीं, मौत दोनों तरफ है, पर इसके हाथ से मरने की अपेक्षा तो उनके हाथ से मरूं ताकि मेरा जीवन कल्याण तो होगा। और स्वर्ण मृग बन के महाराज आया है मारीच, मेरे प्रभु देवताओं का कार्य करने के लिए तैयार हुए। सीता जी ने राम जी से कहा इस मृग का शिकार करके मृग छाला लाइए। पर महाराज इससे पहले एक घटना घटती है, राम लखन जी कोई काम से जाते हैं, खरदूषण का वध करने के बाद मेरे प्रभु सीता जी से कहते हैं,
सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला। हे प्रिया, एक मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। मैं कुछ करब ललित नरलीला, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं। आप एक मेरी बात को सुनो। तुम पावक म करहू निवासा के जब लगी करहू निशा चर नासा। तुम अग्नि में निवास करो जब तक हम असुरों का नाश करें। तो जो असली जानकी थी वो तो अग्नि में समा गई, वो जो पीछे है वो छाया माया की। तो देखिए, माया की जानकी माया के मृग से मोहित होगी, असली जानकी माया के मृग से नहीं मोहित होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां लखन जी को मेरे प्रभु ने कहा तुम जानकी की रक्षा करना, मैं जा रहा हूं। और मेरे प्रभु धनुष बाण लेके चले हैं, मारीच का पीछा किया, बहुत दूर निकले और जैसे ही खींच के बाण मारा, मारीच ने मरते समय हाय लखन और बाद में राम राम कहा। क्यों लखन लखन कहा मालूम? कोई बताएगा? लखन लखन कहने का मतलब क्या था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अंत समय में जीव राम राम करता है, राम का नाम लेता है, पर राम राम आता नहीं है। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। राम नाम नहीं आता, तो राम नाम कैसे आएगा? अगर अंत समय में अगर संत का नाम सुमिरन करोगे तो संत के पुण्यों से आपके उस समय पाप हटेंगे और तुरंत राम नाम आएगा मुंह से। इसलिए लखन से बड़ा कोई संत नहीं है। तब कहा हाय लखन। मेरे प्रभु मारीच का वध करके वापस आ रहे थे, सामने लखन जी को देखा, कहा अरे भाई, तो जानकी को अकेले छोड़ के आ गया। मेरा मन कहता है मम मन सीता कुटी मनाई, सीता कुटिया में नहीं होगी, जल्दी चलो। दोनों भाई जल्दी जल्दी में आए, आके परण कुटी को देखा तो महाराज सीता जी के बिना है। या एक प्राकृत मानव की भांति मेरे प्रभु ने विलाप किया। मेरे प्रभु प्राकृत मानव की भांति विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। दोनों भाई जा ही रहे थे और राम राम की आवाज सुनाई दी मेरे प्रभु को। जिस तरफ राम राम की आवाज सुनाई दी, राम जी उधर गए हैं तो क्या देख रहे हैं, पंखहीन होके भूमि के ऊपर लुहान जटायु गिरा पड़ा है। मेरे प्रभु ने दौड़ के जटायु को उठाया है और गोद में लिया, अपनी जटाओं से जटायु की धूल को झाड़ा है। कहा तात ये कैसे हो गया? जटायु रोते रोते मेरे प्रभु से कहने लगी, नाथ दशानन यह गति कीनी, ते खल जनक सुसार ली। ए नाथ, ये मेरी दशा दशानंद यानी रावण ने की है और उसी दुष्ट ने जानकी का हरण कर दिया। मैंने खूब उसे बचाने की कोशिश की पर मैं उसे बचा नहीं पाया। ले दक्षण दिशि गोसाई के बिलपति रही कुररी की ना। वह जबरदस्ती जानकी को लेके दक्षिण दिशा की तरफ गया और वह विलाप करती रही, मैं कुछ नहीं कर सका, मेरे पंख काट दिए प्रभु, पर अब तक मैंने अपने प्राणों को रोके रखा। डर से लागी प्रभु राखऊं प्राणा। ए नाथ, ए प्रभु, आपके दर्शन के लिए अपने प्राणों को रोके रखा, पर अब आप आ गए, आपको जानकी का समाचार दे दिया,
चलना चाहूं अब कृपा निधाना। अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम जाना चाहते हैं। मेरे प्रभु कहने लगे, आपको जीवन चाहिए तो मैं आपको अजर अमर कर दूं। जटायु मेरे प्रभु को देख के कहने लगा, महाराज जाकर नाम मरत मुखियावा, अरे जाकर नाम मरत मुखियावा, अदम सुमुक्त हो श्रुति गावा। मरते समय अगर जिनका नाम मुख पे आ जाए महाराज, अदम से अदम भी वो जीव क्यों ना हो पर वह मुक्त हो जाता है। और मैं तो आपकी गोद में हूं, आप मेरे सामने हैं, और अब मैं जीवन चाहूं? नहीं, अब नहीं महाराज, अब तो आज्ञा दीजिए। मेरे प्रभु की आंखों में आंसू आए, जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई। मेरे प्रभु के आंखों में आंसू आ गए, तुलसी बाबा कहते हैं, जल भरी नयन कहे रघुराई। अरे ये मैंने आपको नहीं दिया, आप जो कह रहे हो कि अंत समय में राम नाम नहीं आता, और मैं आपकी गोद में हूं। मेरे प्रभु ने कहा, अब आप अमर नहीं होना चाहते हो तो आपको पंख दे दूं। जटायु ने कहा, महाराज पंख नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, क्यों? जटायु कहने लगा, जब तक मेरे पंख थे प्रभु तब तक मुझे आपके पास आना पड़ता था, और जिस दिन ये पंख घटे ना आप मेरे पास आए, अगर पंख होते तो आप मेरे पास नहीं आते और ऐसे मुझे गोद में नहीं लेते। अब नहीं, मुझे ये मिल गया। राम जी ने कहा, ये आपको किसी ने दिया नहीं है। मेरे प्रभु ने कहा, तनु तजितात जाहू मम धामा, आप इस शरीर को त्याग के मेरे धाम सांकेत को जाइए, मैं आपको क्या दूं। देहू कहा तुम पूरन कामा, मैं क्या दूं आपको संपूर्ण काम। पर एक आपसे निवेदन है, आप मेरे धाम को जाएंगे तो बीच स्वर्ग आएगा, स्वर्ग से होते हुए आप मेरे धाम को जाएं तो स्वर्ग में मेरे पिताजी मिले तो उनसे कहना मत कि उनकी पुत्र वधु का रावण ने हरण कर लिया है। अगर मैं रघुवंशी हूं, मैं उनका बेटा हूं तात, तो रावण परिवार सहित आके पिताजी से कहेगा कि हमने आपकी पुत्र वधु का हरण किया जो हमारा पूरा वंश ही नाश हो गया। जाइए। और महाराज जटायु ने प्राण त्यागे हैं। मेरे प्रभु ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, तिलांजलि दी और कहा, देव आपका अंतिम संस्कार तो हमने यहां कर दिया पर आपका भंडारा हम आगे करेंगे। और मेरे प्रभु ने ऐसा भंडारा किया कि जग विख्यात हो गया महाराज। कहां किया मालूम? अरे महाराज सभी को मालूम है, कोई नहीं। जटायु कौन है? गीद है। और गीद क्या खाते हैं बोलिए ना? मरहुओं को खाते हैं। वहां लंका में इतने असुरों को मारा, वहां गीदों ने तो दावत उड़ाई, महाराज भंडारा वहीं तो किया। और कहां भंडारा किया? वहां जाके किया भंडारा।
यहां से जटायु को सदगति दे के मेरे प्रभु आगे चले हैं शबरी जी के आश्रम की तरफ। यह शबरी जो जाति की विलनी है, मन में इतनी दया है कि बचपन में जब बहुत छोटी थी महाराज शबरी, पशुओं को लाके पिता ने इकट्ठा किया। शबरी ने पूछा, इन पशुओं को क्यों लाए पिताजी? तो पिता ने कहा, बेटी तेरा विवाह है और बराती आएंगे तो उन बरातियों को भोजन करवाएंगे, इनको काट के इनका मांस बना के। शबरी के मन में इतनी करुणा आई कि मेरे विवाह के लिए इतने जीवों की हत्या, और महाराज वो भागी है। आपके इस मध्य प्रदेश की रहने वाली शबरी यहां से भागी 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 कहां गई? कर्नाटक के पास वहां पहुंची है, ऋषिमुख पर्वत के पास में, और वहां महाराज शबरी 10,000 ऋषियों की सेवा की है उसने। अनजान बन के दिन भर जंगल में लकड़ियां काटती, छोटी छोटी गठरियां बनाती, और रात के समय में चुपके से जाके संतों की कुटिया के आगे डाल देती थी एक एक, करते 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 जीवन पूरा बीत गया। बूढ़ी हो गई, एक दिन थोड़ी देर हो गई, संतों ने पकड़ लिया शबरी को, खूब मारा। अरे दुष्टा कुलटा, तूने हमें भ्रष्ट कर दिया। उन संतों में मतंग जी नाम के बड़े ही दयालु भगवान के भक्त थे ऋषि, उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया, उनसे छुड़ाया, कहा अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तो भगवान की अनन्य भक्त हैं। सब ऋषियों ने मतंग जी को अपने से अलग किया। मतंग जी ने शबरी को अपनी कुटिया में बुलाया और कहा, बेटी ये लोग तेरे भाव को नहीं समझेंगे, तू तो स्वयं राम है। बेटी तू यारे राम राम कर। कुछ समय बाद में मतंग जी ने कहा, शबरी मेरा जीवन पूरा होने वाला है, अब मेरा समय आ गया। बेटी मैं ये शरीर छोड़ के जा रहा हूं, पर मैं तुझे एक बात कह के जा रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, भगवान अवतार लेंगे और राम जी सीता जी की शुद्धि करते हुए इधर से निकलेंगे, और शबरी वो तेरी कुटिया में आएंगे। बेटी वो आगे जाएंगे, सुग्रीव से उनकी मित्रता होगी और वह सीता जी की खोद कराएगा, वो तेरे यहां आके जाएंगे, तू मेरी बात को याद रखना। मतंग जी तो चले गए, धीरे धीरे समय बीता। शबरी गुरु की बात को याद करके बहुत वृद्ध हो चुकी है, उठ बैठ नहीं सकती, पर मेरे प्रभु को हर क्षण याद करती है। मेरा भाई के कोई ऐसी भक्ति करे सहज भाव से तो मेरा प्रभु उसे तुरंत मुक्त कर देता है। शबरी जी को मेरे प्रभु ने यहां नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है, हमने आपको प्रारंभ में बता दिया था, इसलिए दोबारा कहने की जरूरत नहीं। शबरी के आश्रम से आगे निकले, पंपापुर सरोवर पे गई, यहां नारद जी से मिलना हुआ और नारद जी को संत महिमा का गुणगान सुनाया, और यहीं मेरे तुलसी बाबा ने अरण्य कांड को विराम किया। एक बार भाव से कहें, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो आपकी। आपने बोला तो कौन सा बोल गई है? कोई बात नहीं, बोलो तो मर्जी आपकी, ना बोलो तो मर्जी आपकी। जय जय। यहां से मेरे प्रभु आगे निकले हैं किसगंधा की तरफ, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। सुग्रीव ने जब मेरे प्रभु को आते हुए देखा, हनुमान जी से कहा कि आप जाइए और जाके बजरंगी पता करिए ये दोनों राजकुमार कौन हैं। क्षत्रिय वेश में है, तपस्वी वेश और धारण किया हुआ, हाथ में शस्त्र हैं, कहीं बाली के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं मुझे मारने के लिए, हो तो इशारा कर देना, मैं ये पहाड़ छोड़ के भाग जाऊंगा।
हनुमान जी सुग्रीव का कार्य करने के लिए ब्राह्मण का वेश धरा है और मेरे प्रभु के सामने आए। तो देखिए महाराज, आज कथा के नौवें दिवस कथा के क्रम में हनुमान जी का प्रवेश एक बार भाव से कहे। बोले हनुमान जी महाराज की, आप कौन है? हनुमान जी ने सीधा प्रश्न किया, आप श्याम और गोरवर्ण कौन है दोनों? आपका वेश तो क्षत्रिय रूप में है पर वस्त्र मुनियों के हैं, वलकल पहने हुए हैं, कहां से आए हैं? ये भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, या किसको ढूंढ रहे हैं? राम जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो कहने लगे हनुमान जी, आप कोई तीन देव में तो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में? राम जी ने फिर भी जवाब नहीं दिया, तो क्या आप नर और नारायण तो नहीं है? राम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। हनुमान जी कहने लगे, जो ब्रह्म का अवतार हुआ है, जग कारण तारण भव भंजन धरणी बार की, तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, आप वो तो नहीं है जो ईश्वर का अवतार हो चुका है? राम जी ने कहा, ब्राह्मण देव, अब देखे हनुमान जी ने पहली गलती कर दी, बने तो ब्राह्मण का वेश तो ब्राह्मण का धरा है, पर एक ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण किसी को प्रणाम नहीं करते, क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करता, ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता, पर यहाँ हनुमान जी ने गलती कर दी, ब्राह्मण का तो वेश धरा, पर जाके राम जी को हाथ जोड़ दिए, प्रणाम कर लिया। मेरे प्रभु हंसेगा, हाँ देखो चलो कोई बात नहीं, अब जैसे तुम पूछ रहे हो तो वैसे ही हम उत्तर दें। कहा, आप कौन है? तो राम जी कहने लगे, कोसलेश दशरथ के जाए, कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनुआए, हनुमान जी ने पूछा ना कि तुम श्यामल गौर शरीरा, तो कहा हम कोसलेश दशरथ जी के बेटे, तो कहा कवन हेतु बिचरऊं बनवीरा, तो के पितु वचन सुनी मान बन आए, पिता का वचन मान के बन में आए, तो के यहां क्यों घूम रहे हो, आपका नाम क्या? पूछा क्षत्रिवेश में आप कौन है? तो राम जी अपना परिचय दे रहे हैं, अरे ब्राह्मण देव, नाम राम, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सोहाई। ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम है और मेरा छोटा भाई इसका नाम लक्ष्मण है, और हम दो ही नहीं थे, मेरे साथ में, हमारे साथ में मेरी पत्नी, हम कोमल क्या, कोमल तो वो थी, इसलिए मेरे प्रभु ने क्या कहा, संग नारी हो, नारी कैसे सुकुमारी सुहाई, अति कोमनांग वो नारी है। तो हनुमान जी ने कहा, वो कहां है? राम जी कहने लगे, चुका है हे ब्राह्मण देव, हमें उनको खोजने के लिए घूम रहे हैं, पर आपने हमें सब पूछ लिया कि कौन हो, क्या नाम है, कहां से आए हो, किस लिए घूम रहे हो, हमने तो अपना परिचय दे दिया, पर आप भी तो बताएं, आपन चरित, आपन चरित अरि कामे गाई, आपन चरित का हम गाई, विप्र कहूं निजे कथा वो बुझाई। विप्र कहूं निज कथा वो बुझाई, हमने अपना चरित तो गा के आपको सुना दिया ब्राह्मण देव, पर आप भी तो बताइए आपका परिचय क्या है? अब देखिए राम जी ने जैसे ही कहा, आपन चरित का हम गाई, ये चार शब्द हनुमान जी ने सुने, चरित और गाई, आपन
प्रभु को पहचान गए। इतना सब पहले बताया नहीं पहचाना, इनको कहते ही पहचान गए। क्यों? हम आपसे पूछें, अगर किसी की पत्नी खो जाए या पत्नी का देहांत हो जाए तो वो उनका समाचार गा के सुनाएगा अगर रो के सुनाएगा? थोड़ा जोर से बोलो। अगर कोई दुखी हुआ है पत्नी प्रताड़ित है तो भले, पर मुंह पे तो महाराज रो के ही कहेगा, अंदर से भले खुश होकर चली गई। बाकी मुंह पे तो दुनिया के सामने तो रो के ही कहेगा, ऐसे कहेगा मेरी पत्नी हो गई शादी, ऐसा थोड़ी कहेगा, रोते रोते कहेगा आप क्या कह रहे मेरे प्रभु, आपन चरित का हम गाई। ये तो वही कह सकता है जो सबसे परे हो, जो माया से परे हो। दूसरा चरित महाराज सिर्फ सिर्फ ब्रह्म का होता है, जीव का चरित नहीं होता। जीव की तो महाराज व्यथा है, कथा तो मेरे हरि की है। इसलिए इस राम कथा का नाम ही तुलसी बाबा ने लिखा राम चरित मानस। ये उस ब्रह्म का चरित है, वो मानस है। कैसा मानस? म से मर्यादा, अ से आदर्श, न से नम्रता और स से सहज और सरलता। ये उस ब्रह्म का चरित है हमारा। आपन चरित का हम गाई, जैसे हनुमान जी कौन है? बुद्धि नाम अग्रगण्य महाराज, बुद्धियों में सबसे अग्रणी है वो। मेरे प्रभु के शब्द को तुरंत पहचान गए और जो ही पहचाने मेरे प्रभु के चरणों में गिरे। प्रभु के चरणों में गिर के हनुमान जी रोने लगे। देव मैं पूछा मोर न्याओ में, पूछा साईं मेरा तो न्याय है, मैंने तो पूछा आपको क्योंकि मैं तो जीव हूं, आपकी माया में भ्रमित हुआ हुआ हूं प्रभु। मोर न्याओ में पूछा साईं, तुम पूछूं कस नरकी नाई। तुम पूछो कस नर की ना, आपने मुझे कैसे पूछा? एक साधारण मानव की भांति मैंने इतना पूछा आपको कि आप वह हैं, आप वह हैं, आप वह हैं, पर आपने पूरा छुपा दिया अपने को। मैं तो महाराज आपको इसलिए पहचान नहीं पाया। हनुमान जी कहने लगी मैं तो आपके माया के वश में भूला घूम रहा था, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, पर आपने भी मुझे नहीं पहचाना। जैसे ही हनुमान जी हनुमान रूप में आए, मेरे प्रभु ने कहा हनुमान तुम पहले हनुमान रूप में नहीं थे तो हम भी राम नहीं बने, अब तुम हनुमान बन गए तो हम राम बन गए। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छलु छिद्रनु भावा। हनुमान जी कहने लगे प्रभु फिर भी, राम जी ने कहा हनुमान दुखी क्यों होते हो? सुन कपि जिए मां नहीं जनी ऊना, तू मन के अंदर दुख मत करो, क्योंकि हे हनुमान ते मम प्रिय लक्ष्मीन ते दूना, तुम मुझे लखन से भी दुगने प्रिय हो। देखिए लखन जी के कान खड़े हो गए, साथ ही थे। लखन जी विचार करने लगे पिछले 13 वर्षे से फकीरी ली हुई है इनके पीछे, इनकी सेवा में लगे हुए, और ये 13 मिनट भी नहीं हुए अभी आया कह रहे हैं कि ते मम प्रिय लक्ष्मीन ते दूना। लखन जी की शंका को मेरे प्रभु पहचान गए पर कुछ कहा नहीं। हनुमान जी मेरे प्रभु से हाथ जोड़ के कहने लगे देखी पवन सुत पति अनुकूला, राम जी को अपने अनुकूल प्रश्न देखा महाराज। हरस हृदय हरस बीती सब सूला, मन में हर्षित होके सब संशय मिटे और राम जी को हनुमान जी कहने लगे
ए नाथ, सुग्रीव को अपना दास कीजिए, उसे दिन को आप अभय करें, उसके दुख को दूर करें। लखन जी ने कहा एक बात कहूं, हनुमान जी ने कहा कहो, तुम कहते वो दुखी है तो उसको आप सुखी करते, तो यहां तुमको हम कौन से सुखी दिखते। अरे भाई, मिलाना हो, मित्रता करवानी हो तो कोई ऐसे सबल व्यक्ति से करवाए जो सुखी हो, अब उसको ले जाके तू हमसे मित्रता करवा रहा है, वो दुखी है बेचारा। अरे उससे मित्रता करने से हमको क्या फायदा, हम अपना काम करें उससे मित्रता कर। हनुमान जी ने कहा महाराज फायदा है, अगर प्रभु उसे अपनी शरण में लेके उससे मित्रता करेंगे तो वो एक काम करेगा, वो वानर राज है, सो सीता कर खोज कराई, वो जानकी जी खोज में मदद करेगा। लखन जी ने कहा कैसे, कैसे क्या, जहां तक मरकट कोटि पठाई, चारों तरफ करोड़ों वानर भेजेंगे और वो वानर सहायता करेंगे खोज में। राम जी ने कहा भैया बात तो तू ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हमसे तो चला नहीं जाता, हमारे पांव इतने थक गए हैं कि अब हमसे आगे नहीं चला जाता। हनुमान जी ने कहा प्रभु तो उसको तू यहां ले आ। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, वो जीव है, जीव को आपके पास लाएं, क्या पता बीच में भटक जाए, आप ही जाएंगे तो ठीक रहेगा। राम जी ने कहा तो चला नहीं जाता। हनुमान जी ने कहा महाराज ऐसे करो, आप दोनों मेरे पीठ पे चढ़ जाओ, लिए दो जनी पीठ चढ़ाई, कंधे पे नहीं बैठा, ये फोटो वाले तो कंधे पे बता देते, कंधे पे नहीं बिठाया। राम जी को हनुमान जी लखन जी को कहा पीठ से पीछे से पकड़ लो। राम जी ने कहा पीछे पीठ पे क्यों पकड़ा रहा है, गोद में ले सकता है, कंधे पे बिठा सकता है। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, हम जीव है, हम आपको पकड़े क्या पता जीव कब छोड़ दे, पर आप हमें पकड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं। और ये ध्यान है महाराज, जो जिसको पकड़ता है वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको अपनी सुरक्षा का ख्याल रहता है। मेरे प्रभु ने लखन सहित हनुमान जी की पीठ पे चढ़े, हनुमान जी ने कहा जय सियाराम, एक छलांग लगाई। राम जी ने लखन की तरफ देखा, इसलिए हमने कहा था ते मम प्रिय लक्ष्मीन ते दूना, तू हमें अकेले को धारण करता है, क्योंकि लखन शेष है, मेरे राम विष्णु हरि हैं, तू हमें अकेले को धारण करता है, पर ये तुझे मुझे दोनों को धारण करता है, इसलिए दुगना हो गया भाई। ते मम प्रिय लक्ष्मीन ते दूना, सुग्रीव और राम जी की मित्रता करवाते हनुमान जी अग्नि को साक्षी रख के। सुग्रीव ने मेरे प्रभु से कहा प्रभु एक दिन मैं यहां बैठा था तो मैंने राम राम की आवाज सुनी आकाश मार्ग से और एक पोटली नीचे गिराई, मुझे लगता है वो माता जी ही होगी। राम जी ने कहा ला के बताओ, वानरों को भेजा, वानर लेके आए हैं वो पोटली। मेरे प्रभु ने खोली, देखा जानकी जी के आभूषण है। मेरे प्रभु ने सीता जी के कान का कुंडल, अभी आप शंका ना करिएगा कि महाराज अवध से तो आपने परसों तो कहा था कि सब आभूषणों को त्याग के आई थी जानकी, खाली अंगूठी लेके आई थी, फिर ये आभूषण कहां से आए, ये आभूषण सीता जी को अनुसुया जी ने दिए थे अत्रि आश्रम में, नूतन पटभूषण जो कभी पुराने ना हो, क्योंकि महाराज 12 वर्ष तक जानकी चित्रकूट पे रही ना, एक ही साड़ी में रही थी और साड़ी पूरी तार तार हो चुकी थी, भगवान कोई नगर में जाते नहीं, साड़ी लाएं कैसे। जब सीता जी को इस दशा में देखा था अनुसुया जी ने, तो अनुसुया जी खूब रोई और जानकी जी को ऐसे दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए जो कभी पुराने ही नहीं हो। वह गहने उतार के जानकी जी ने फेंके, और दूसरा भाव क्या था, गहनों को फेंकने पे प्रभु देखेंगे तो ही पहचान पाएंगे कोई हो सकता है या मिलना हो जाए। राम जी ने कान का कुंडल लिया, लखन की तरफ देखा और कहा भैया देख ये देख जानकी का देख कुंडल है, कान का देख तो सही, एक बार कहा, दो बार कहा, जब तीसरी बार कहा
हमारे लखन लल्ला हाथ जोड़ के मेरे प्रभु से कहने लगे, मैंने तो हमेशा माँ के चरणों को देखा, मुझे क्या पता उनके कान में कैसा कुंडल है। ये मर्यादा है महाराज, अगर मेरी माँ के पांव की बिछियां होती तो मैं प्रभु कह देता ये उनकी है। फिर भी आप कह रहे हो तो सही है। यहां मेरे प्रभु ने सुग्रीव से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा परिवार पत्नी? सुग्रीव ने अपनी पूरी कथा बताई। कहा महाराज, मैं और बाली दोनों अति प्रिय भाई, बड़ा प्रेम था। एक बार मायावी ने बाली को ललकारा, बाली मायावी के पीछे भागा, मैं भी बाली के पीछे भागा। मायावी एक गृह कंदरा में प्रवेश कर गया, बाली भी भीतर चला गया। मुझे कहा एक सप्ताह तक मेरी राह देखना, अगर मैं ना आऊं तो सोच लेना मैं मर गया। महाराज मैं एक सप्ताह की जगह एक महीना बैठा रहा, फिर भी बाली नहीं आया। अंदर से रक्त की धार आई, मैंने सोचा बाली मर गया, वापस आया। मंत्रियों ने बिना राजा का सिंहासन देख के मुझे किसगंधा का राज दे दिया। बाली मायावी का वध करके वापस आया, मुझे सिंहासन पर बैठे देखा, भेद उपजाया और महाराज मुझे शत्रु की तरह मारा। मैं सबके पास गया पर बाली के भय से किसी ने मुझे आश्रय नहीं दिया। और यहां मतंग जी के श्राप के कारण बाली आता नहीं, इसलिए यहां मेरे ऋषि मुख पर्वत पे बैठा हूं, मेरा सर्वस्व छीन लिया। जैसे ही ऐसा कहा सुग्रीव ने, मेरे प्रभु ने भुजा उठाई और कहने लगे, सुन सुग्रीव, मारो बाली ये कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नहीं उबरे सुग्रीव, एक ही बाण से हम बाली का वध करेंगे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की शरण में क्यों ना जाएं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब इतना कहा मेरे प्रभु ने, प्रतिज्ञा ली, सुग्रीव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। राम जी ने कहा अब तो प्रसन्न हो जा। सुग्रीव ने कहा महाराज मुझे विश्वास नहीं होता है। तुझे विश्वास नहीं, कैसे विश्वास हो तुझे? सुग्रीव ने कहा मेरे साथ चलिए। मेरे प्रभु को लेके सुग्रीव गया और मैदान में जाके हाथ से इशारा करके कह रहा है, ये जो ताड़ के सात वृक्ष हैं, इसे एक बाण में जो नीचे गिराएगा वो बाली का वध करेगा। ये सात वृक्ष महाराज तक्षक के पुत्र के ऊपर बाली के श्राप से उद्गम हुए थे, उगे थे। और तक्षक ने बाली को क्रोध में श्राप दिया कि तूने मेरे पुत्र को बिन जाने श्राप दिया इतना कठोर, तो इन पेड़ों को जो नीचे गिराएगा वही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। राम जी ने उस सर्प की पूंछ के ऊपर पांव को दबाया अंगूठे से, वो सर्प सीधा हुआ, सातों वृक्ष एक लाइन में हुए, एक बाण से सातों को नीचे गिराया। सुग्रीव ने कहा अभी भी विश्वास नहीं। और राम जी ने कहा तो अब ये मतंग जी ने श्राप दिया था कि दुंदुभी की इस हड्डियों के ढेर को जो हटा देगा वो मृत्यु का कारक बनेगा। राम जी ने चरण का प्रहार किया, 100 योजन दूर जाके महाराज वह अस्थि पंजर गिरा है। सुग्रीव को विश्वास हुआ अब तो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कृपा करते हो तो ऐसा कर दीजिए, मैं सब कुछ छोड़ के आपका भजन करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा कैसे, राजवाद कुछ नहीं चाहिए? सुग्रीव कहने लगा नहीं। राम जी ने कहा क्यों? तो कह रहा है सुग्रीव कहने लगा प्रभु अब राजवाद कुछ नहीं चाहिए, एक समय का भजन करना चाहता हूं, क्योंकि महाराज सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी करा हूं, सेवकाई सबको छोड़ के सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि हे देव ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब भक्ति के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं। कहई संत तव पद अवराधक, आपके चरणों के आराध्य संत हमेशा यही कहते हैं। राम जी ने कहा तुझे भजन करना है? सुग्रीव ने कहा तो ऐसा करते हैं, पहले बाली का वध कर देते हैं, हमारे वचन झूठ नहीं हो सकते। तुझे किष्कंधा का राज दे दूं, पीछे तू भजन करना, मैं कौन सा तुझे मना कर रहा हूं, भजन करना तू। सुग्रीव ने कहा तो ठीक है। राम जी ने कहा तो जा। सुग्रीव ने कहा बाली से युद्ध करने के लिए? सुग्रीव ने कहा तो मैं जाऊंगा। तो राम जी ने कहा तू ही जाएगा,
युद्ध तो तू करेगा, मैं तेरी सहायता में खड़ा हूं, जा। सुग्रीव को लेके आए, मेरे प्रभु ने कहा देख मैं यहां खड़ा हूं, ले आ बाली को, युद्ध कर, मैं तेरी सहायता में खड़ा हूं, बाली का वध करूंगा। सुग्रीव किस गंगा के राजमहल के द्वार पे गया और जाके बाली को ललकारा, हे बाली बाहर। बाली ने आवाज सुनी, ये आवाज तो पहचानी पहचानी लग रही है। फिर सुग्रीव ने कहा हे बाली बाहर। बाली ने कहा ये सुग्रीव बोल रहा है और वो मुझे ललकारा है, जो मेरे सामने देखने की हिम्मत नहीं करता वो आज मुझे युद्ध के लिए ललकारा। बाली क्रोध में भर के गदा लेके जैसे ही निकला, बाली की पत्नी तारा आके रास्ते पे खड़ी हो गई, कहा आप न जाए। बाली ने कहा क्या कह रही हो? तारा ने बाली के चरणों को पकड़ा रख कहने लगी, इस समय आप युद्ध में न जाएं देव, मुझे सगुन शुभ नहीं हो रहे हैं, मेरा दाहिना नेत्र फड़करा है, मैंने गुप्तरों से पता लगाया, गुप्तरों ने मुझे सूचना दी सुग्रीव से दो राजकुमार आके मिले हैं और वो अयोध्या के राजकुमार हैं, उनके बारे में सुना वो ब्रह्म के अवतार हैं, आप मत जाइए। बाली ने कहा क्या कह रही हो तुम, तुझे मालूम? अरे दुश्मन खड़ा दरवाजे पे, मैं छुप जाऊं पर्दों में, धिकार मेरी मर्दानगी को कहलाऊं नाम में मर्दों में। तारा सुग्रीव द्वार पे खड़ा मुझे ललकार रहा है और मैं तेरे आंचल में छुप के बैठ जाऊं, जिस समय कायरों की गिनती होगी ना सबसे पहले मेरा नाम आएगा। वीर की शोभा सन्मुख मृत्यु की होती युद्ध करते हुए, और तू कह रही है चिंता मत कर। काबाले सुन भीरू समदर्शी रघुनाथ, वो भगवान समदर्शी है, उनके लिए तो मैं सुग्रीव दोनों बराबर है। जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि होम सनाथ, अगर फिर भी मुझे मार देंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ले गदा और महाराज बाली आया, वो बाली को आते देखा सुग्रीव ने टट 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 दुम, बट रुके जड़ो पका रुकता बेचारा। वहां जाके खड़ा हुआ जहां महाराज मेरे प्रभु छुप के खड़े हैं पेड़ की ओट में, और अब युद्ध शुरू हुआ। युद्ध काय का कितनी देर का युद्ध, थोड़ी देर। सुग्रीव ने बाली के प्रहारों को रोका, बाली ने क्रोध करके एक गदा का प्रहार किया, सुग्रीव धड़ाम से नीचे गिरा, दो गदा मारी और कहा भाई है इसलिए आज जीवित छोड़ रहा हूं, तेरी जगह कोई और होता ना तो अभी तेरे हृदय को चीर देता, लेकिन आज छोड़ रहा हूं, आज के बाद में फिर कभी मेरे सामने मत होना। हट कायर और महाराज चरण का प्रहार किया, गड़गड़ 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 लुढ़कते हुए सुग्रीव वहां आके रुका जहां मेरे प्रभु खड़े थे। राम जी को देखा, देखते ही सुग्रीव रोने लगा, कहने लगा वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा काल है। अरे मारना था तो तू ही दो चार थप्पड़ मार देती, वहां ले जाके क्यों पिटवाया? अपने आप को मित्र कहते हो या तुम देख रहे थे खड़े खड़े मुझ पे तो मुक्के पड़ते थे, खड़े खड़े देख रहे थे वो मुझे धमाधम मारे जा रहा था। राम जी ने कहा तू ही कहेगा कि मुझे कुछ कहने का मौका देगा? सुग्रीव ने कहा बाकी क्या रहा है कहने को? राम जी ने कहा वो बात नहीं है भाई। सुग्रीव ने कहा तो मेरे प्रभु कहने लगे मैं देख रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दो, और मैं खड़े खड़े देख रहा था ये तुम दोनों भाई हो ना, अगर क्या पता सोई हुई प्रीति सोया हुआ प्रेम जागृत हो जाए और भातर तो दोनों का जागे और मिल जाओ तो मैं तुम दोनों के बीच में क्यों आऊं? मैं देख रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दो, दोनों भाई भाइयों अगर मिलते हैं तो मिलने दो,
भाई भाई जो अगर मिलते हैं तो मिलने दो। तुम दोनों भाई हो आपस में मिल जाओ तो मैं तुम्हारे बीच में क्यों आऊं। सुग्रीव ने कहा महाराज आपको मिलने में पिटने में फर्क नहीं लगता क्या। राम जी ने कहा वो तो हमने पहले सोचा था और जब तुम दोनों का युद्ध शुरू हुआ ना अरे उस पर भी मैं तो बार बार अरे धनवा पे बाण चढ़ाता था। मैं कड़ा नहीं था बार बार धनुष के ऊपर बाण चढ़ा रहा था पर क्या करूं भाई मेरे लिए एक बड़ी परेशानी हो गई। सुग्रीव ने कहा क्या। मेरे प्रभु कहने लगे तुम दोनों एक रूप से हो तुम दोनों एक रूप से हो इसलिए तो धोखा खाता था। तुम दोनों एक रूप से हो इसलिए तो धोखा खाता था। तुम दोनों एक जैसे हो इसलिए सोचा क्या पता बाली की जगह सुग्रीव को बाण ना लग जाए इसलिए मैं खड़े खड़े विचार करने लगा। पर एक बात अब की बार तू जा ये मैं तुझे माला पहनाता हूं ये माला मुझे तेरी पहचान देगी। सुग्रीव ने कहा कौन जाए। राम जी ने कहा तू जा। सुग्रीव के महाराज ये होट मारे पड़िया थोड़े को नहीं पड़िया ये आडकियां सब टूटोड़ी है छह महीना जान पाती ठिकोने आए जने जावा लड़ने कठे। मेरे प्रभु ने कहा रे तेरे मन का वाह में तुझे कुछ नहीं हुआ युद्ध में प्रभु मैं गया था। राम जी ने कहा रे मैं कह रहा हूं तुझे वह में ऐसा कह के मेरे प्रभु ने जैसे ही हाथ घुमाया पूरे शरीर की पीड़ा गायब और शरीर वज्र के समान हो गया। सुग्रीव ने कहा कहीं दर्द तो नहीं है। राम जी ने कहा मैंने कहा जा। सुग्रीव पुनः कहा जाके आवाज हे बाली महाराज। बाली सोचा इसको इतना मारा तो ये वापस आया कैसे उठ के। गदा लेके जैसे ही बाली बाहर आया सुग्रीव वहां से पुनः दौड़ा वहीं आया जा मेरे प्रभु खड़े। पर अब की बार मेरे प्रभु के द्वारा दी हुई विजय माला पहनी हुई थी इसलिए सुग्रीव ने डट के मुकाबला किया पर बाली के सामने नहीं रुक पाया महाराज। बाली ने क्रोध करके एक गदा का प्रहार किया जैसे ही सुग्रीव नीचे गिरा बाली ने अपने दोनों हाथ उठाए सुग्रीव का हृदय चीरने के लिए और उसी समय मेरे प्रभु ने खींच के बाण मारा बाण बाली के हृदय में लगा और लगते ही बाली उछल के एक तरफ गिरा महाराज। पर इतना बली था बाली राम जी का लगा हुआ बाण गिरने के बाद में भी बाली पुनः बैठा हुआ और कहने लगा दगा दगा धोखा धोखा ये मेरे साथ दगा किसने किया ये मेरे साथ धोखा किसने किया ये मुझे किसने छुपके बाण मारा है। मेरे प्रभु पेड़ की ओट से बाहर निकले हाथ में धनुष है और धनुष के ऊपर आधा बाण चढ़ाया हुआ है दूसरा अगर बाली आक्रमण करे तो दूसरा बाण भी तैयार है। सर के ऊपर मेरे प्रभु के जटा का मुकुट है श्याम वर्ण है और धन खिलते हुए कमल के समान सुंदर नेत्र है धनुष के ऊपर आधा बाण चढ़ा हुआ है। जैसे ही मेरे प्रभु बाहर निकल के आने लगे बाली की नजर मेरे प्रभु के ऊपर पड़ी बार बार मेरे प्रभु के चरणों में बाली ने अपना मन लगाया मेरे प्रभु के स्वरूप का दर्शन किया अपना जन्म सफल माना। जैसे ही राम जी पास में आए तुलसी बाबा कहते हैं हृदय प्रीति मुखे हृदय प्रीति मुखे बचन कठोरा हृदय प्रीत मन में प्रेम है पर मुख के ऊपर कठोर वचन बोला चित ही राम की ओरा राम जी की तरफ देख के बाली बोला अंतःकरण में प्रेम है पर मुंह पे कठोर वचन और क्या कह रहा है मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था आपका मैंने कौन सा अपराध किया मैं आपका कौन सा वैरी हो गया
और सुग्रीव आपका ऐसा प्रिय कैसे हो गया? ऐसा मैंने क्या अपराध किया? मेरा क्या उगुण जो आपने मुझे मारा? मेरे प्रभु कहने लगे, तू अपराध की बात कर रहा है तो सुन कि पुत्र की पत्नी, बेटी और बहन चारों एक समान होती हैं, और हे बाली, इनको जो गलत दृष्टि से देखता है वो पापी होता है, और पापी को मारना पाप नहीं होता। बाली ने कहा, महाराज ये नियम आपके पुरुषों में लागू होता है, मानवों में, हम तो पशु हैं, पशुओं में लागू नहीं होता। राम जी ने कहा, तुम मानते हो कि हम पशु हैं, तो सुनो बाली, इस समय इस भारत वर्ष पे इक्ष्वाकु वंश महाराज भरत राज करते हैं और मैं उनका प्रतिनिधि बन के इस वन के अंदर घूमता हूं। अगर जो पशु भी हिंसक हो जाता है तो उसका क्षत्रिय छुप के शिकार करते हैं, तो मैंने ऐसे तुझे बाण मारा, बोल अब कुछ कहना। बाली ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगा, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। प्रभु आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी, पर देव आप अपनी व्याकरण सुधारिए, आप वशिष्ठ जी के शिष्य हैं, अपनी व्याकरण सुधारिए। राम जी ने कहा, कैसे? बाली कहने लगा, मैं पापी था, पापी हूं नहीं, अजहूं कि मैं पाप की अंतकाल गति, तो अंत समय में मुझे आपकी गति मिल रही है और अब भी मैं पापी नहीं, पापी था मारा। बाली के इस बात को सुन के मेरे प्रभु ने बाली से कहा, तुम जीवन चाहते हो तो हम तुम्हें अमर कर दें। बाली ने जीवन नहीं मांगा, बाली ने शरीर छोड़ा, तारा विलाप करती हुई आई है, तारा को ज्ञान दिया और माया का हरण किया, सुग्रीव को किष्कंधा का राज दिया और कहा, मेरा कार्य तुम ध्यान रखना, अंगद सहित करूं तुम राजू, हृदय धरूं मम काजू, हमेशा मेरे काम को याद रखना, अंगद सहित जाके राज करो। महाराज वो सुग्रीव रात दिन जो बाली के डर से छुपका छुपका घूम रहा था, राज मिला, पत्नी मिली, परिवार मिला, मेरे प्रभु कोई भूल गया, और तुलसी बाबा ने लिख दिया मानस में सुर नर मुनि जन की, यही है रीति के स्वारत हित करहिं सब। वर्षा ऋतु पूरी हुई, हनुमान जी ने याद दिलाया, सुग्रीव भयभीत हुआ, वानरों को इकट्ठा किया, लखन आए, लखन जी से सबने क्षमा मांगी और प्रभु के पास आए। देखिए आज कथा का अंतिम दिन है, अब तो ऐसे ही जाएंगे, विराम की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आज विचार तो था 5 बजे कथा विराम करने का, लेकिन हमने तो घड़ी अब देखी, 6 बजने को आए, इसलिए हम कथा को विराम की तरफ ले जाएंगे। पीछे की कथा को संक्षिप्त सारभूत में कहते हुए, वानरों के 4 दल बनाए गए, 4 दिशाओं में भेजा, जो दक्षिण में दल गया उसके नायक अंगद जी महाराज, उसमें जामवंत दल नील हनुमान जी, हनुमान जी मेरे प्रभु का कार्य करने के लिए लंका में गए, विभीषण जी से मुलाकात की, सीता जी से मिले, राम जी की शुद्धि दी महाराज, अशोक वाटिका को उजारा, अक्षय का वध किया, लंका दहन करके चूड़ामणि लेके मेरे प्रभु के पास आए, जिना सीता जी की खबर सुनाई। विभीषण ने रावण को समझाया, रावण के समझ में नहीं आई, विभीषण को चरण का प्रहार किया, विभीषण मेरे प्रभु की शरण में आया और मेरे प्रभु ने आते ही विभीषण को लंका का राज दे दिया। वानर सेना सहित राम जी सागर के तट पे आए और यहाँ समुद्र की प्रार्थना की, सागर आया नहीं तो क्रोध करके बाण का संघान किया, सागर आया, कहा महाराज आप नल नील की सहायता से सेतु बंद करके सागर पार उतरे, मेरे प्रभु ने वानरों की सहायता से सेतु तैयार किया है। जैसे ही सेतु तैयार हुआ, मेरे प्रभु ने भगवान शिव की स्थापना की, रामेश्वर की स्थापना की, एक बार भाव से कहे, बोली रामेश्वर भगवान की। सेना सहित पार होके उस किनारे गए, अंगद जी को शांति दूत के रूप में भेजा, अंगद गए जाके रावण को समझाया, पर रावण के समझ में आई नहीं, और महाराज फिर युद्ध शुरू हुआ। सबसे पहले लखन को शक्ति लगी, हनुमान जी सजीवनी लाए, लखन जी को चेतना आई, फिर
राम जी का कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, मेरे प्रभु ने कुंभकर्ण को मारा, कुंभकर्ण का संहार किया, फिर लखन जी ने वेघनाथ का संहार किया और अंत में राम जी और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। उसमें एक नहीं अनेक बार भुजाओं और शीश को काटा और अंत में एक साथ 31 बाणों का संगान किया, 10 शीश 20 भुजा और एक नाभि में बाण लगा और रावण का अंत हुआ। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। देवता लोग आए स्तुति की, भगवान शंकर आए स्तुति की, लखन जी हनुमान जी गए, विभीषण को लंका का राज दिया और हनुमान जी सीता जी को ससम्मान रामा दल में लाए। मेरे प्रभु वानरों को विदा करके अपने मित्रों को साथ में लेके पुष्प विमान में बैठ के अवध की तरफ चले, प्रयागराज पे रुके, यहाँ भरद्वाज जी से मिले, निषाद से मिले और हनुमान जी को भरत जी के पास में भेजा सूचना देने के लिए। हनुमान जी आए, भरत जी को राम जी के आगमन की सूचना दी और वापस प्रभु के पास आए। मेरे प्रभु मित्रों के साथ अवध आए, सबसे मिले, वलकल को त्यागा, सुंदर वस्त्र धारण किए। मेरे प्रभु के सुंदर स्वरूप को देखे वशिष्ठ जी ने सिंहासन मांगा, जानकी सहित मेरे प्रभु सिंहासन पर बैठे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने तिलक किया, बाद में ब्राह्मणों ने, देवता दुंदुभी यानी नगाड़ी बजाने लगे, चारों तरफ जय जयकार होने लगे, माताएं बड़ी प्रसन्न होकर आरती उतारने लगी। एक बार भाव से गए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। वेद आए हैं मेरे प्रभु की स्तुति करके गए, भगवान शंकर आए आके स्तुति कर रहे, जय राम राम नम समानम भवताप भया रमेश विभो शरणागत पाही प्रभो बार बार वर मांगा हूं हर्ष देऊ श्री रंग पद सरोज अन पायनी गति सदा सतसंग। भगवान शिव ने कितनी सुंदर मांग की, और कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो हे देव हमेशा सत्संग दीजिए, आपके चरणों की भक्ति दीजिए, पद सरोज अन पायनी भक्ति और सदा सतसंग। शंकर गए, देखिए तुलसी जी ने बड़ा सुंदर ही राम राज्य का वर्णन किया है, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। न तो वहां देवताओं का प्रभाव है, न महाराज वहां धन ऐश्वर्य का प्रभाव है और भौतिकता का प्रभाव है, न शरीर के किसी को कष्ट है, ऐसा सुंदर मेरे प्रभु ने राज किया। ये चार घाट पे कथा है, चारों घाटों के आचार्यों ने अपनी वाणी को विराम किया, शिव ने किया, कागभूषण जी ने किया, पर महाराज यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का संवाद आज भी निरंतर चल रहा है। तुलसी जी ने अपनी वाणी को विराम करते हुए कहा, रघुवंश भूषण चरित दे नर कहिस सुनहिं जे गावहिं, कल मल मनोमल धोई बिनु सम राम धाम सिधावहिं। भगवान राम जी के इन पावन चरित्र को जो सुनेगा जो गाएगा कली के विकारों से मुक्त होके वो मेरे प्रभु के धाम को जाएगा। इसी के साथ तुलसी जी ने अपनी वाणी को विराम किया, बोले सियावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव श्रीवाल कृष्ण भगवान हनुमान जी महाराज की, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।
सतगुरु भगवान की हरिओ। नमः पार्वती पते हर।